एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे ओ नींद रे ने मारिया। देखना इसकी पंजाबी माशाल्लाह कितनी सोनी है, साथ चावल होंगे रेड में रस्टिक। और ये एक बैंगन मैंने अलग से रख लिया हुआ, ठीक है, वो इसलिए रखा है कि ना इसकी मैंने बनानी है चटनी, ठीक है। इसके नीचे की भी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं करी ताकि ये जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए अच्छे से, ठीक है। और हाँ चटनी रहेगी ना जी, तो बेडशीटें रह गई हैं। आज तबाही का खिलाना मचा हुआ भाई, सारी बेडशीटें वगैरह बितारी हुई, सब कुछ किया हुआ। तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घर में कुछ रहा बात होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो भाई आज मैं क्या करने लगी थी, मैंने कहा मैं आज की रूटीन अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा मसरूफ़ भी हूँ और गर्मी कोई इतनी ज़्यादा हो रही ना कि वापस आई जा रही है। मुझे नहीं लग रहा कि जून जुलाई अभी गया, बिल्कुल भी नहीं गया, बहुत शदीद गर्मी है। उफ, क्या कर सकते हैं, खैर ख़त्म हो ही जाएगी। रात को कहते हैं कि ठंड होनी शुरू हो जाती है आजकल, पर पता नहीं यहाँ तो कोई नहीं ठंड हो रही है। उकाड़े में भी क्यों नहीं ठंड हो रही भाई, हर जगह पे ठंड हो रही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई फिर रात को 12 बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, यहाँ तो कोई नहीं अच्छा होता। तो खैर मैं बना रही थी आज बैंगन का भरता, ठीक है। तो बैंगन तो मैंने जला लिए हुए हैं, ठीक है। और भाभी जी ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं, ठीक है। बेडशीटें रह गई हैं, बेडशीटें रह गई ना जी, तो बेडशीटें रह गई हैं। आज तबाही का खिलाना मचा हुआ भाई, सारी बेडशीटें वगैरह बितारी हुई, सब कुछ किया हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ, साथ साथ अपने बहन भाई से अपनी रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाना प्लस बैंगन की चटनी बनानी है, ठीक है। बैंगन की चटनी अब मतलब काफ़ी लोग मतलब कि बनाते हैं कि बैंगन का भरता बनता है, बैंगन का रायता बनता है। और आज चटनी बनानी, मम्मा को चटनी बनानी आती पर हमने कभी बनाई नहीं थी, मैंने भी कभी नहीं बनाई। आज मैं फर्स्ट टाइम बनाने लगी, तो मैंने सोची कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बैंगन की चटनी बनाती हूँ। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, ठीक है। और अपनी प्यारी प्यारी से दुआओं में ज़रूर याद रखा कर अपनी बहन को, क्योंकि आपकी बहन आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती है। और हाँ, ये मेरे थोबड़े को वाइट कीजिए, अच्छा ठीक है, क्योंकि इतना जब घर में गंद मचा होना तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता भाई। सुबह तो मुँह धोया था, उसके बाद भी सुर्खी पाउडर शोडर करने को कुछ भी दिल नहीं करता जब तक घर नीट एंड क्लीन ना हो जाए, तब तक, ठीक है। तो तब तक मैं ये इतना सारा काम संभाल लूँ, ठीक है, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बैंगन का भरता बनाया, किस तरह से चटनी बनाई, क्या किया क्या नहीं किया, मैं सारा बताऊँगी आपको, ठीक है। ठीक है, समझिए आप जी। तो व्यूवर्स, ये मैंने बैंगनों का मतलब कि बना के रख लिया हुआ है भरता, ठीक है। और प्याज ब्राउन हो रही है हमारी, ठीक है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, टमाटर ले लिया है। और ये इसमें स्पाइस जो मैंने लिया, हल्दी, धनिया, नमक, रेड मिर्च, ठीक है। और ये एक बैंगन मैंने अलग से रख लिया हुआ है, ठीक है, वो इसलिए रखा है कि ना इसकी मैंने बनानी है चटनी, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हम चटनी किस तरह से बनाएंगे। तो पहले मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ, इससे पहले कि गैस चली जाए, तो हम जल्दी से पहले खाना बना के रख लेते हैं, ठीक है। बाकी के काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये मसाला भून के सारा कुछ करके फिर ये मैंने इसमें ऐड करना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि अभी थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, तो वो भी नहीं कर दिया हुआ है, भूल गई सी। हाँ, कितना हुआ ज़ीरा ऐड, ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसकी मैं फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जल्दी जल्दी जाके हम ये काम वाला समेट लें, ठीक है। बाहर में फिर मैं आपको चटनी बनानी बताती हूँ, इस चीज़ में चटनी किस तरह से बनाऊँगी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से भुर्ता बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमने बना लिया है, ठीक है। ये हो रहा है थोड़ा सा, इसके नीचे की भी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं करी ताकि ये जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए अच्छे से, ठीक है। और हाँ, चटनी के लिए ले लिया है मैंने एक बैंगन है, ठीक है। और इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन की 2 कलियां हैं, और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। और हरा धनिया है। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा और इमली भी डलती है। इमली मैं अवॉइड करूँगी, वो इसलिए कि हमारे घर में इमली कोई इतनी लाइक नहीं करता और मैं भी नहीं इतनी खा सकती, इमली को मैं अवॉइड करूँगी। तो ये मैं चटनी भी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों की फाइनल लुक, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये भी रेडी होने ही वाला है जी। तो व्यूअर्स, मैंने चटनी बनानी शुरू कर दी हुई है, ठीक है। लहसुन और अदरक मैंने पीस लिए, ठीक है। हरा धनिया मैं इसमें पीस रही हूँ, ठीक है। आपने सब कुछ अच्छे तरीके से बारीक कर लेना। और काफ़ी लोग ना ये बनाते होते हैं, मिक्सर में भी बना लेते हैं चटनी। भाई मिक्सर में बनाने का मुझे तो कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है, वो पानी पानी सा हो जाता है। अगर चॉपर हो ना उसमें तो सही बन जाती, क्योंकि हम उसमें पानी ऐड नहीं करते इसलिए। तो मेरा चॉपर जो माशाल्लाह से वो इतना बड़ा है, ठीक है, वो किलो से मतलब किलो से ऊपर चीज़ें हो जाती हैं, किलो तक हो जाती हैं। तो ये एक बैंगन की चटनी तो उसमें बनने से रही। तो हाँ, ये चीज़ें सिल पे भी बहुत मज़े की बनती है। सिल भी मेरे पास है, पर सिल मुझे चलानी नहीं आती, ठीक है, तो इसलिए मैं कुंडी में बना रही हूँ। ये हाथ से जितनी बनाई जाए इतना मज़ा आता है, ठीक है। और हाँ, इसमें अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च जो कुटी वाली होती है ना, कुटी हुई मिर्च होती है, वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मैं जरा मिर्चें कम खाती हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च ही इस्तेमाल करूंगी। वैसे भी बहुत तीखी होती है, उसको ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही बहुत रहेगी। और थोड़ा सा नमक। और हाँ, इमली का मैंने इसलिए अवॉइड किया कि जब मैं इमली खाती हूँ मेरे मुँह पर स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैंने इमली को अवॉइड किया है। आप लोग डाल सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा इसका जायका अच्छा हो जाए, ठीक है। और मामा पापा की वजह से भी नहीं मैंने डाली क्योंकि वो पान खाते हैं, इसलिए उनको ज़रा पान खाने में फिर दिक्कत होती है, दांत पे दबाव नहीं डाला जाता, ये वजह होती है। तो ये आपने एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बारीक कर लेनी है, बिल्कुल फाइन, मतलब कि अच्छे तरीके से इसको पीस लेना ताकि ये पता ना लगे कि हमने कुंडी में बनाई है। अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है। तो ये मैं बना लूँ, फिर इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से चटनी भी बन गई है और बैंगन का भरता भी बनके रेडी हो चुका है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें, ये है हमारा बैंगन का भरता बन गया है, ठीक है, और ये बैंगन की चटनी बन गई है। नाइस मामा, सही है, इतनी बारीक सही है। तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, मतलब कि फालसे की चटनी भी बनती होती है, अमरूद की चटनी भी बनती है, अम्बी की चटनी भी बनती है, चटनियाँ डिफरेंट तरीके की बनती हैं, चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं दोपहर के टाइम। और एक और बात ही, रात के टाइम ना खाया करिए क्योंकि रात को खाना खा के हमने सो जाना होता है, तो जब हम चल फिर नहीं करेंगे तो वो हमारे मैदे पर तेज़ मिर्चें होती हैं, जलन करेंगी, ठीक है, कच्ची चीज़ें होती हैं। तो ये आप दोपहर में ही यूज़ किया करें चटनियाँ वगैरह, ना तो ब्रेकफास्ट में ना तो डिनर में, ठीक है, दोपहर लंच टाइम में आप यूज़ किया करें, बहुत मज़े की लगती हैं। और इनके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें क्योंकि ये जो तेज़ मिर्च वगैरह होती हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आए व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ खाना एंजॉय करें, तो मैं खाना खा के फिर वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। 3 hours later। एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे ओ नींद रे ने मारिया, तो शीशे नू रेड़ पै गई, अच्छा वाल बांधी ने ध्यान जदों मारिया। अच्छा जी व्यूअर्स, हम सारे काम करके फ्री हो चुके हैं, गुड हो गया जी। हमने भुर्ता भी बना लिया, हमने चटनी भी बना ली, हमने बेडशीटें भी चेंज कर दी, हमने भांडे टींडे छाना छुंडे सारे धो लिए, ठीक है। हम अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, पापा भी आ गए, उनको खाना भी खिला दिया। हमें क्रेविंग हो रही है मीठे की, हमने मंगवानी है बर्फ़ी, तो ठीक है, अभी हमारा बर्फ़ी मैन अभी तक आया नहीं है, क्या मैं बोला तो हम क्या करें। आप ऐसा करें, थोड़ी सी कमेंट्स में हमारे लिए बर्फ़ी भेज दें, ठीक है, कमेंट्स में बर्फ़ी भेज दें, वो बना के बर्फ़ी की भेज, हाँ, तो कमेंट्स में थोड़ी सी हमारे लिए जल्दी से बर्फ़ी भेज आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, याद रखे, और हमेशा आप पर यूं ही खुशियों की बरसात होती है। आमीन। बात यह है कि हमारे जो फैमिली है, इनका कमेंट्स ही है ना, हमारे लिए लड्डू है, बर्फी है, जिलेबी है, चार्जिंग हो जाती है हमारी, जैसे इनका प्यार है। पापा आप फिर से मुरझाए हुए से लग रहे हैं, एनर्जी आ जाती है इसमें, आप फिर से मुरझाए हुए लग रहे हैं। गर्मी भाई, गर्मी का काम करते हैं। लड़का सौ के इतना सारा सोना बना लिया, लड़के का मुँह इतना सा लग रहा है पापा। बात यह है कि भाई गर्मी बहुत होती है और बस पूछो ना क्या हाल हुआ है इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटो, पोतियों, पोतो, भतीजों, बाटियों, भांजों, पोतियों, पोतो, दोतियों, दोतो, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी दराज कर दे, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, अल्लाह पाक पे औलादों को औलाद दे, अल्लाह पाक कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बीमारों को शिफा दे, अल्लाह पाक अपना गैब से मदद कर दे हर किसी की, जिस चीज़ की ज़रूरत अल्लाह पाक अता कर दे, पाक परवरदिगार। आमीन। और हमारे लिए भी सब बच्चे मिलकर हमारी पूरी फैमिली दुआ करे कि अल्लाह करे हमारे घर में भी खुशी, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से अल्लाह पाक से बेटी दे दे, काली दे दे, छोटी सी दे दे। काली नहीं हो सकती मम्मा, होगी तो मेरे जैसी होगी माशाल्लाह से, भूपला पूपला इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, कॉपी भी जाएगी माशाल्लाह। तूने भुर्ता बनाया है, तूने मुझे नहीं सिखाया, मैं तुझे याद नहीं आई कि नहीं मेरी एक माँ भी है, माँ खुदा का खौफ करो, क्या खुदा का खौफ करे, बताऊँ की चटनी खिला दी और भुर्ता सिखाया नहीं मुझे। हाँ बताऊँ की चटनी बड़ी टेस्टी बनी थी, और रेसिपी भी दी है ना, रेसिपी वो बात ये है कि वही भुर्ता ही होता है, नहीं भुर्ता और होता है, वो भुर्ते का तो सालन में बनाया था ना मैंने बताऊँ की चटनी बनाई थी आज, वो रायते लुमा बनी, नहीं बहुत मजे की बनी थी, वो बताओ किस तरह बनाई थी, वो चटनी जैसे जला लिया बताऊँ को जला कर उसको, हाँ बैंगन बताऊं बैंगन का करो, बैंगन मुझे नहीं चलता वर्ल्ड में पूरे बैंगन ही बोला। चलो अच्छा उसके छिलके उतार लिए, उसके बाद चटनी जैसे हम पीसते हैं, लहसुन डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाली, हरी मिर्ची, हरा धनिया पुदीना डाल के उसे पीस लिया। थोड़ी सी दो डाली इमली के, नहीं डाली मैंने, इमली नहीं डाली, नहीं डाले लेकिन डालते हैं उसमें रहता है। उसको अच्छी तरीके से पीस कर फिर वो बताओ उसमें डाल के मिला के, तो हाँ जी हाँ जी। इमली मैंने इसलिए नहीं डाली थी, मैंने आपको इमली न डालने की वजह बता दी थी कि मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूज जाता है खट्टी चीजों से, मैं इसलिए अवॉइड ही करती हूँ, खट्टी चीजें मुझे नहीं सूट करती। रोटी पकी होती ना तो और भी मजा करती है। वो ना चावल मांग रही थी, बेसन की रोटी होती है उसके ऊपर हल्का सा मक्खन या देसी घी लगा तो ज्यादा मजेदार लगता है। हाँ जी गांजू पोटर हाथ आगाह कार मेरा पोटर अदाब अदबो अदाब होते हैं। हाँ जी हाँ जी है नहीं चौल सात चौल होंगे तुम्हारे लिए तो चौल है इसकी पंजाबी माशाल्लाह कितनी सोनी है। सात चौल होंगे सात चौल भी होने चाहिए सीधे साढ़े ना। आपकी सुर्खी कहाँ उड़ गई आज? अरे भाई आज मेरा ना गर्मी की वजह से दूसरे मुझे ना ये बखी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, बखी में पेन हो रहा है, देखा दर्द है या क्या दर्द है, ऐसा जलन हो रही है जैसे किसी ने तेजाब नहीं फेंक दिया होता, इस तरह जलन हो रही है। कितने दिन होगा तुम्हें पता ही है। हाँ मम्मा ने बता रही काफी दिनों से कि मुझे जख्म महसूस हो रहा है, जख्म महसूस हो रहा है, पर स्किन के ऊपर बिल्कुल भी कोई रैश, कोई जख्म, कुछ भी कोई स्वेलिंग नहीं है, पर ये कह रही कि मेरी स्किन पे मुझे ऐसी दर्द महसूस हो रही जैसे किसी जख्म पे दर्द महसूस होता है, छिल नहीं जाता कोई चीज़ जख्म हो जाता है, ऐसे जलन महसूस हो रही है। हाँ जी हाँ जी। ऊपर जिल्द पे कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी तकलीफ है बहुत ज्यादा। हाँ जी। अब हर वक्त रो भी नहीं सकती, बच्चा सिर पकड़ के भी नहीं बैठ सकती। अच्छा करो, ये मेरे ओने बोने परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे फिर, इसलिए मैं काफी उर्दू ना ऐसी होती है कि मतलब मैंने कहा ना कि आपका बीपी हाई हो रहा है तो वो ऐसा करती है चरगे के चरगे उड़ा जाती है। तो नहीं होता है नहीं, लो हो रहा है, सॉरी लो हो रहा है भाई, चरगे के चरगे उड़ा जाती है मम्मा। और गलती से कहते हैं लो हो रहा है आइसक्रीम में, ऐसे खाती है स्वाद का काम हो। आइसक्रीम के है बड़े बड़े बट्टे उड़ा जाती है। बहन हमारी तो स्प्रिन से या पैनाडोल से तकलीफ दूर गई। सिस्टर्स मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ बट आपको पता है आपके भी आसपास कुछ ऐसी खवातीन मौजूद होंगी जो बीपी हाई के नाम पे आइसक्रीमों की धूड़ बोट देती हैं और बीपी लो के नाम पे चरगों का चटनी बना देती हैं। ऐसा होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा होते हैं पापा ने खास किसी को ऐसे ही आप बता देना कि हाँ जी बस फिर वो मुरीद है ना, मुरीद तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं मुरीद मीन मेरी बात सुनो, आज तक कभी तुम्हारे से ऐसे नखरे करे बात तो करना अच्छा तो जो मुरीद है ना फिर उसकी चक्री घूम जाती है मुरीद मीन्स जो इस चीज को जिनके साथ वो समझ गए। अच्छा बस फिर उनकी चक्री घूम जाती है। हाँ जी क्या लाऊं क्या लाऊं, मेरी बात सुनो, पाँचों के लिए एक जैसी नहीं होती। मैं जो रिसेंटली रियल टॉपिक बताते हैं, थोड़ा सा कड़वा तो लगता है भाई, पापा की बातें थोड़ी सी कड़वी तो लगती हैं पर पापा की बातें राइट होती हैं। ये जो रिसेंटली है ना न्यू जनरेशन, इसमें यही कुछ हो रहा है। हाँ हाँ चाहे आप समझे बुरा माने या सही माने लेकिन आजकल के वक्त में ना ये कॉमन हो चुकी चीजें। बिल्कुल डेफिनेट जी ऐसा ही है। अच्छा आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पापा घर आए तो मम्मा सर को पट्टी बांध के पड़ी हो या लेटी हुई हो। अगर तबीयत खराब हो भी हो जाती है, अब उम्र का वो हिस्सा है कि कभी एनर्जी होती है कभी नहीं भी होती है। ठीक है जा रही हो, हम कब्र में जाने काबिल हो गए हैं। नहीं मैं आपको ये बताना चाह रही कि आपको जैसे कि मोरों का मसला है, कभी उतनी एनर्जी नहीं भी होती। हर वक्त तो नहीं ना इतनी एनर्जी होती, कभी सही भी होता है कभी नहीं भी होता। अपने दर्द छुपा के अपने बच्चों के लिए, अपने सिर के साय के लिए हैप्पी हैप्पी रहना पड़ता है। तो मामा को हमने कभी नहीं देखा कि पापा आए हो तो वो चरपाई पे सीधी लेटी हुई है तो पापा पे ध्यान नहीं दिया, सर को पट्टी बांधी। अगर पापा आ गए ना घर पे, चाहे वो 2-4 मिनट के लिए उठ के बैठे, उन्होंने एक्टिव होकर बैठ जाना है, उनसे बात करनी है अच्छे तरीके से। और काफी होती है जितने बंदे का आने टाइम है घड़े की सुई वेखी हाय बाजी के अठ आने ला नाले सिर ते पट्टी बनी नाले पै गई हाय दवाई के पैसे देना जरा, मैंने डॉक्टर से दवाई लेके आनी है। गाइस हमारे घर में दर्द हो रहा है। गाइस इनके मियां बीवी के दोनों नहीं है दरकार, नहीं नहीं ऐसी वो भी ऐसी नहीं, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो माशाल्लाह फिरती भागती फिरती रहेगी, काम करती रहेगी, कभी भी नहीं। ये स्ट्रांग मैन है, अल्लाह का शुक्र। और अल्लाह पाक ऐसे ही रखे दोनों बहनों को, दोनों नंदबाजों को ऐसे ही रखे, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ को हौसला रखे। और जितनी बात ये है कि हम तकलीफ को जितना अपने ऊपर हावी करेंगे ना, जितना उसे अपने दिमाग में लेंगे, वो उतना हमारे ऊपर हैवी होती जाएगी। अच्छा, काफ़ी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आप ही हमें छाइयाँ हो रही हैं, हमने ये भी यूज़ कर लिया, हमने वो भी यूज़ कर लिया, हमने वो भी यूज़ कर लिया, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसमें सब्र और तहम्मुल रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें मिनटों सेकंडों में तो असर देने देती है, या कोई मेडिसिन हो या कोई क्रीम हो या कुछ भी हो, थोड़ा वक्त उसमें लगता ही है। और अपने जहन पे सवार ना कर लिया करें किसी चीज़ को भी। जब हम अपने जहन पे सवार कर लेंगे ना तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें कोई चीज़ फर्क दे ही नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मज़ीद हमारी स्किन ख़राब होती जा रही है। अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, थोड़ा सा सब्र रखें, सब कुछ क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये भी बताना चाह रही थी। सबसे पहले ये बता कि अपनी डाइट, बेटा अपनी डाइट ठीक रखो और अपनी नींद लो ठीक तरीके से। जब तक बंदे की नींद नहीं है, जो डार्क सर्कल बनते हैं ना, ये नींद ना पूरी होने की वजह से बनते हैं। तो रात में कहीं ना कहीं आपको असर छोड़ देती होगी, जिसकी वजह से बनते हैं। आज हम इतने बच्चों की माँ हो गए, बुढ़ी हो गए, क्या है कि हमारी तरफ थोड़ा सा मुँह में अलामिया आके बच्चे ने हाथ रख रखा है, खाते पीते, डार्क सर्कल का नाम भी नहीं माशाल्लाह के ना, इसलिए छाइए नहीं है। देख लो कितने बच्चे पैदा कर लिए, कितने तक माशाल्लाह 9 बच्चों की माँ हूँ माशाल्लाह, लेकिन ना कोई छाई है ना आँखों के नीचे कोई खटे खुटे है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी खुराक सही रखो, अपनी नींद ठीक तरीके से लो। जहनी टेंशन तो सबके साथ है बेटा, अगर दिमाग पे हैवी करेंगे तो दबते के दबते चले जाएंगे। हमने चले जाके कब्रों में सोचना, दूसरे आके ऐश करेंगे। तो ऐसा नहीं, जब तक जो सांस से अल्लाह पाक ने दी ना, फिक्र ना लिया करें। अल्लाह पाक ने जैसा भी कर दिया है बहुत बेहतर बनाया। अपनी डाइट पे ध्यान रखा करें प्रॉपर। आँखों के गिर्द जो हल्के होते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है जो बेखाबी। हाँ जी, नींद ना पूरी होना। पूरी करेंगे कोई मसला। पापा आप ये झूठ किस तरह बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना, आप सबसे पहले घर में उठ के बैठे होते हैं, अल्लाह की कसम। पहले सबसे बाद में सोते हैं। सबसे मेरी बात सुनो, वो कहते हैं ना कि रात के 2 घंटे और दिन के 12 घंटे, दिन में 12 घंटे भी सोओगे ना, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा जो रात को 2 घंटों में सुकून मिलेगा। हाँ जी। और आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सुबह सबसे पहले उठे होते, रात को सबसे बाद सोते हैं, सबसे पहले उठ जाते हैं। लेकिन 2-3 घंटे या 4 घंटे की नींद बंदे को शाट बिशाट कर देती है। हाँ जी। तो पापा जी सुबह सबसे पहले माशाल्लाह उठ के बैठे होते हैं, सबके बाद में सोते हैं। सारे सो गए कि नहीं, ये सोया ही नहीं, वो सोया ही नहीं, लाइट बंद करी कि नहीं, वाईफाई बंद करी कि नहीं, नेट बंद करा कि नहीं, गैस का वॉल बंद है, कुंडी लग गई, ताला लग गया है, चाबी तकिए के नीचे आ गई है। तो फिर पापा जी ने कहीं जाके सोना होता है। सबसे पहले माशाल्लाह उठ के पापा ही नेट ऑन करते हैं हमारा। है ना? सही बात है। अच्छा, अभी क्या लड़ाई होती है सास बहू की? सास बहू की क्या लड़ाई, बंदा बैठता है, विक्रम मताल का भूत है ना, पता कि रजब भट्ट का सोफा ला के रखा हुआ, आएंगे दोनों में अभी भी चढ़ के मेरे ऊपर बैठ जाएंगे, कमर पे मेरे कमर में वैसे दर्द, ऊपर से चढ़ के। मैंने कहा रजब भट्ट का सोफा यहीं तुमने ला के रख लिया, हट जा, चढ़ के बैठ गई मेरी कमर पे, पीछे सोफा समझ के बैठ गई। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अब हमारे फेफड़े फूल चुके हैं। ठीक है, आज हमने बहुत सारा काम किया। ठीक है, कमेंट्स बहुत सारे आए हुए, लेकिन आज वो बच्चा जुनेद जरा काम पे लेट है, और मेरी वो ऐनक, हाँ वो भी नहीं है, गागर भी जिसे कहते हैं, तो मैं सबके नाम बोलता हूँ। बच्चों की दुनिया से है, बच्चों की दुनिया। हाँ जी। और एक न्यू एंट्री है हमारे भाई, आपको बहुत बहुत प्यार, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नाम क्या है? मोहम्मद अलवीर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अलवीर। अच्छा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। एहसान शेख, सना शान शेख, बेटा आपने जो कहा वो वाकई सही कहा है। क्या कहा बता, जो हमने अपने कल बात की कि ऐसा ही होता है जिस मसले पे हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी प्रॉपरली इंशाल्लाह हम तसल्ली से भी बात करेंगे। हाँ, ये बात सही है, आजकल पैसे की इज्जत है, इंसान की कोई वो नहीं है। उन्होंने सलाम किया है आपको, वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने भी यही कहा कि अपने पैसे से, अरे कहना क्या चाहते हो, इंसान को वो पैसों के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, इंसान की नहीं है पैसे की कदर, वैल्यू पैसे की है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है बेटा। हाँ जी, परिवार तब का मैंने बता दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, बाकी जो बेटी है, एनक नहीं है, क्या करें, अतिया बेटी है जी, और हमारे मम्मा जान हो रही है, नाहल बेटी है, नाहल वालेकुम सलाम। सचिया बेटी ने भी ढेरों प्यार दिए और अपने प्यार का इजहार किया है और उस पर रोशनी डाली हुई कि वाकई सही है। और जुनेद को भी अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत अच्छा। उसके बदले आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। एजाज ने भी अच्छा जी, आई लव यू सो मच। आपको खुश रखे, शाद रखे। मदिया निसार ने भी अपने प्यार का इजहार किया है। मदिया निसार आयजा सईद है, उन्होंने भी अपना अल्लाह पाक खुश रखे, आई लव यू का आबाद रखे, शाद रखे। बेटा आपको हर तकलीफ परेशानी से बचा के सबको। और लाहौल का तो बहुत ढेरों प्यार होता है। जी जी जी, प्यार करते हैं ढेरों प्यार। मदिया निसार भी, अतिया बेटी भी, सब सबके लिए लव यू सो मच। बच्चों की दुनिया भी और जो हमारे नए व्यूअर आए हैं सबके लिए बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच। सबके लिए ढेरों ढेर दुआएं, प्यार। अल्लाह पाक सबके दिलों की मुरादें पूरी करे। आज कमर्स बेटा नहीं पढ़ सके, आपके अंकल ने कल जुनेद आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ हमारा रात को ही आ जाएगा, लेकिन कल ब्लॉग होगा ना। अच्छा कहते हैं चश्मा टूट गया जिसकी वजह से सही नजर नहीं आ रहा, और ये लोग देर से आए तो जुड़वा भी नहीं। हमारी दो आंखें हैं लेकिन एक्स्ट्रा दो आंखें वो टूट गई नहीं, यह और हो जाएगी गर्ल्स अपना शीशा वगैरह टूट गया तो। हाँ जी, तो आप सब भी मतलब की अपनी अपने डार्क सर्कल की परवाह करते हुए टाइम से सो जाए, ठीक है ना। इससे पहले हमारे डेली 6 हो जाए तो आप सब लोग भी सो जाए। और अब सोते हुए मैं प्यारी से दुआओं में जान है तो जान है। हाँ जी, तो सोते हुए अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपने प्यार से याद रखिएगा, ठीक है, अपने दिल से याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।